हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों, आज ये मैं बताऊंगा आप लोगों कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो लास्ट की जो वैल्यू है उसको ब्लैक क्यों, उसका जो बैकग्राउंड है वो इसलिए ब्लैक मैंने किया है कि हमको ये पता चल सके कि अभी जो लास्ट में इंसर्ट हुई रो वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर आईडी आप लोगों को नहीं दिख रही है दोस्तों। ठीक है, आईडी को मैंने हाइड कर दिया, मैंने फेस ही नहीं करा, क्योंकि आईडी होता तो आपको समझ में आ जाता, क्योंकि इसकी एक नंबरिंग है, तो इससे हमको समझ में आया था कि लास्ट में जो इंसर्ट हुई है रो वो कौन सी है। बट यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है। कभी कभी हमको प्रोजेक्ट में ऐसे फीचर्स देने पड़ते हैं कि वो बताना होता है कि भाई लास्ट में जो इंसर्ट हुई है वो रो कौन सी, कैसे पता चलेगी, तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पूरा मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसमें करड ऑपरेशन वगैरह भी है। आपको अगर सोर्स कोड चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे डिलीट एडिट सब होता है, ऐड भी होता है, डिलीट भी होता है। इसमें कोई और भी फीचर्स मैं अभी और डाल रहा हूँ, आपको चाहिए रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिलहाल हम लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये एक्चुअली कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐड करके दिखा देता हूँ। ये मार्टिन लूथर जो है, ये लास्ट की जो वैल्यू है इंसर्टेड अभी मैंने की है वो है। चलो एक मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। नाम कुछ भी ले लेते हैं, और एज में ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। देखिए, अब ये अभी मैंने इंसर्ट की तो यहाँ पर जाकर ये हो गई, मतलब इससे पता चल रहा है कि मैंने लास्ट की जो वैल्यू है अभी भी कौन सी वैल्यू को इंसर्ट किया वो बैकग्राउंड ब्लैक होने की वजह से हम लोग को पता चल गया। ठीक है, अब चलो मैं कोड दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसका कोड कैसे एक्चुअली काम कर रहा है। ठीक है, और कोड अगर आपको इसका कोड चाहिए और खाली ये पेज का कोड चाहिए तो ये साइट पे आ जाना bullying.com पे, आपको ये अभी नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे इसको रखा है, आप सर्च के थ्रू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका पूरा सोर्स कोड मैंने दिया है, देख लीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल है छोटे छोटे PHP JavaScript jQuery पे Node.js पे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका कोड देखते हैं दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया है, इतना तो आता ही होगा। और अगर आपको PHP का बेसिक नॉलेज हो तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर जो ड्यू टैग एक ले लिया मैंने, ड्यू टैग वगैरह तो आपको आता ही होगा। ये फॉर्म एक्शन क्या है एक्चुअली, ये जो दिख रहा है इतना कोड, ये आइटम है। ठीक है, ये अच्छा सर्च करके भी दिखा देता हूँ। अब सोच रहा था कि भाई ये भी दिखाई देता हूँ, जिससे कि अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसको इसका दे दूँगा आपको पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये शो हो रहा है, लगता है कि क्वेरी में कुछ मिस्टेक है, चलो बाद में देख लेंगे हम लोग। तो फिलहाल वो फॉर्म था, फॉर्म की मैं बात कर रहा था। फिर मैंने टेबल बना दिया यहाँ पर, टेबल में मैंने ये ले लिया नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, जेंडर और एज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। ठीक है, ये रहा, ये था। अब उसके बाद मैंने क्वेरी चलाई, क्वेरी में मैंने सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर, डेजिग्नेशन, एज, क्योंकि इस टेबल में दोस्तों कुछ 8 से 10 कॉलम है, मैं मुझे सिर्फ 6 चाहिए था, इसलिए मैंने 6 के नाम लिख दिए। अगर मुझे सबके सब चाहिए तो मैं स्टार सिलेक्ट स्टार करके काम चला लेता। उसके बाद मैंने टेबल का नाम लिखा है, ऑर्डर बाय लिखा है। दोस्तों, ऑर्डर बाय इसलिए लिखा है कि यहाँ पर अगर डिसेंडिंग होता तो मैं डिसेंडिंग लिख देता, बट मुझे असेंडिंग चाहिए था और बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ही होता, इसलिए ASC लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उससे समझ जाता है। और ये लिमिट मैंने इसलिए लगा दी दोस्तों, अब लिमिट से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रिकॉर्ड है दोस्तों। 15 रिकॉर्ड कैसे हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो मैंने क्वेरी में क्या लिखा, मतलब 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, कितनी वैल्यू देनी, 14 वैल्यू दे दी। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेगा, 14 तक जाएगा, मतलब 15 वैल्यू हमको शो करा दिए। अब मैं इसको अगर 3 5 कर देता हूँ तो देखिए वो 6 वैल्यू हम लोग को रिटर्न कर देगा। ठीक है, हम लोग को उसने 6 वैल्यू दे दी, तो मैंने इसलिए लिमिट लगा दिए कि हम लोग को कितनी वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैंने 2 क्वेरी रखा है दोस्तों। ये जो दिख रहा है ना, ये जो दो ब्लैक में दिख रहा है ना, लास्ट इंसर्टेड रो के लिए मैंने एक अलग क्वेरी लिखी है और उसको यहाँ पर ऐड कर दी है। जॉइंस के थ्रू भी ऐड किया है, बस वो क्वेरी के नीचे रखा है, उसको टेबल में मैंने रख दिया है। मैं बता देता हूँ कैसे काम कर रहा है। तो
मैंने सिलेक्ट क्वेरी चला दी। दोस्तों आई होप ये सब तो आपको पता ही होगा, मैं खाली वो फीचर्स कैसे ऐड करना है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो MySQL आई क्वेरी अगर आपको पता होगी, फिर मैंने फेच करने के लिए यहाँ पर वाइल्ड लूप में इसको रख दिया और वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी कंडीशन इसलिए लगा दी दोस्तों कि कोई एरर वगैरह होगा तो वो पहले शो कर देगा। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कुछ था इसलिए, तो वो इसलिए वो एरर यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। फिर मैंने वाइल्ड लूप चलाई, उसके अंदर इफ एल्स की कंडीशन नहीं थी, तो इफ का तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया एरर के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो वाइल्ड लूप चला देगा, उसके बाद हम लोग को डेटा शो कर देगा किसके थ्रू, TR के थ्रू, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेबल ले रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो TR में जो है सब TD में मेरी सब वैल्यू आ जाएगी, नेम एड्रेस जेंडर और डेजिग्नेशन और एज, ठीक है। और यहाँ पर मेरा एक TR ख़त्म हो रहा है, फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक दूसरा TR ले लिया दोस्तों, ठीक है। तो जो ये दूसरा TR दिख रहा है ना दोस्तों, ये है ये, मतलब ये अकेले के लिए दूसरा TR ले लिया, तो वो यहाँ पर आके ऐड हो जा रहा है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, अगर मैं इसके यहाँ पे क्लोज कर देता टेबल को, एक नया टेबल ले लेता हूँ, मतलब वो टेबल अलग हो गया, ये टेबल अलग हो गया। देखिए अब इसने अलग कर दिया, ठीक है, मतलब जो वो था वो टेबल अलग कर दिया इसने, इसीलिए मैंने एक TR के नीचे दूसरा TR ले लिया, तो वो इस टेबल में आके ज्वाइन हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने दो एक ही टेबल में दो TR लेके उसको ज्वाइन कर दिया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो TR था वो ले लिया, यहाँ पर फिर वही क्वेरी मैंने लगाई, क्योंकि यहाँ पर कैसा था, फिर सिलेक्ट क्वेरी मैंने किसके लिए मारा, क्योंकि मुझे लास्ट इंसर्टेड रो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि 1-2, जैसे मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, तो 10th रिकॉर्ड जो होगा वो अगर मैं डिसेंडिंग में करूँ तो सबसे ऊपर आ जाएगा ना, तो वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। मुझे एक वैल्यू चाहिए, अगर अभी जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब मुझे ये भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, जैसे मतलब लास्ट इंसर्टेड रो और सेकेंड लास्ट इंसर्टेड रो, वो मुझे दोनों चाहिए, तो आप कैसे अचीव करोगे, बहुत ही सिंपल है, मैंने दो लिख दिया। अब ये बताएगा कि लास्ट इंसर्टेड रो तो बलराम है, तो सेकेंड लास्ट इंसर्टेड रो कौन सी है, देखिए मार्टिन लूथर जो है सेकेंड इंसर्टेड वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग को वैल्यू देता चला जाएगा। तो तीसरी कौन सी है, थर्ड लास्ट इंसर्टेड रो कौन सी थी, मैंने 3 लिख दिया, तो ये आ गया कुछ इस तरह, ठीक है। मतलब कैसे काम कर रहा है कि जैसे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये है, मैं जैसी डिसेंडिंग ऑर्डर लिखता हूँ तो वो कैसे हो जाती है, 4, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, इस तरह हो जाती है। मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेरी लगाया, ठीक है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया आईडी के, मतलब ऑर्डर बाय आईडी, मतलब आईडी के लिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर लगेगा, नहीं किसी और कॉलम के लिए नहीं। तो फिर इस तरह हो गया, अब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5th की जो वैल्यू है वो 0 पे है, 4th की जो वैल्यू है वो 1 पे है, 3 की वैल्यू जो है वो 2 पे है, 2 की वैल्यू 3 पे है, और 1 की वैल्यू 4 पे है। तो इस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर 0 पे क्या है, 0 पे 5 है, और वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो वहाँ 2 आ गए, तो ठीक है, तो 5, 4 और 5 और 4 को प्रिंट कर देगा, मतलब ऊपर से 5 और 4, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगा। हाँ, ये मैंने बताना भूल गया, उसके बाद फिर मैंने रो ले लिया दोस्तों कि फर्स्ट रो में मेरा क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, पर मुझे 0 पे मेरी आईडी थी, तो मुझे आईडी की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और 1 पे क्या है, 1 पे मेरा नाम नेम, 2 पे क्या है, 2 पे एड्रेस है,
इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम का नाम लिखने के जगह उसका नंबर लिखा है, बता देता हूँ आपको, ये रहा आईडी 0 पे बैठ रही है, 1 पे नाम है, 2 पे एड्रेस है, 3 पे जेंडर है, 4 पे डेजिग्नेशन है और 5 पे एज है, ठीक है। तो इस तरह से उसको मैंने नेमिंग ये पे नंबर दे दिया, तो इस हिसाब से उसको वो प्रिंट करता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने उसको रो नंबर दिया, क्योंकि मुझे एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही रो की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने वो रो नंबर होता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो देखने के लिए।